नमस्कार, मैं हुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार के किसान सीखेंगे आधुनिक खेती के गुर। 10वीं पास बच्चों को मिलेगा विद्याधन स्कॉलरशिप। 62 शहरों में शुरू हो रहा है जमीन का सर्वे। बिहार के इन इलाकों पर पुलिस प्रशासन की रहेगी विशेष निगरानी। राहुल सूर्या की धमाकेदार पारी, भारत ने 8 विकेट से जीता मैच। चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। ITBP ने हेड कांस्टेबल के इतने रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर ग्रुप सी नन गेजेटेड के कुल मिलाकर 23 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर सेक्शन की योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन विद BEd और बैचलर ऑफ टीचिंग और इक्विवेलेंट डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। इस दिन से शुरू होगा स्कूल में नो बैग डे। बिहार के बच्चों के पीठ से बस्ता का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने खास पहल की है, जिसके बाद स्कूलों में नो बैग डे और स्पोर्ट्स पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। बिहार के 72,324 प्रारंभिक और 9,430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह नो बैग डे और स्पोर्ट्स पीरियड छठ पूजा के बाद से शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व के बाद इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आयशा शर्मा की। आयशा शर्मा का जन्म 25 जनवरी 1989 को बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। आयशा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह पहली बार आयुष्मान खुराना के इकवारी वीडियो सॉन्ग में नजर आई थी। इसके बाद आयशा ने जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के साथ 2018 में आई हिंदी एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते में अभिनय की शुरुआत की। आयशा ने एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और लैक्मे और पेप्सी आदि सहित कई लोकप्रिय ब्रांडों के लिए एक प्रमुख चेहरा बन गई। 2016 में उन्हें किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स में से एक के रूप में भी फीचर किया गया था। 10वीं पास बच्चों को मिलेगा विद्याधन स्कॉलरशिप। सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की ओर से संचालित विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 इस साल पहली बार बिहार में भी लागू हुआ है। इसके तहत बिहार के 10वीं पास मेधावी बच्चों को इंटर की पढ़ाई के लिए सालाना 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यही नहीं, अगर बच्चे का एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेहतर रहा तो हायर एजुकेशन के लिए उन्हें 10,000 से लेकर 60,000 तक की राशि स्कॉलरशिप के तहत दी जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी DE को पत्र भेजकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से पात्र छात्र छात्राओं का आवेदन कराने को कहा है। इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.vidyadhan.org पर जाकर विजिट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 8864064455 और ईमेल ID vidyadhan.bihar@sdfoundationindia.com भी उपलब्ध कराई गई है। विश्व प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन करेंगे CM नीतीश। 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला का आयोजन इस साल भव्य तरीके से होगा। सोनपुर मेला के भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं यह भी तय हो गया है कि इस बार एशिया के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बता दें कि इस बार सोनपुर मेले का शुभारंभ 6 नवंबर से होने जा रहा है। यह जानकारी सोनपुर के SDM सुनील कुमार ने दी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ आने की स्वीकृति दे दी है। अब प्रशासन उनके आगमन की तैयारियों में जुट गया है। आपको बताते चले कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद यह पहला मौका होगा जब वह मेले का उद्घाटन करेंगे। वैशाली का अशोक स्तंभ इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है वैशाली स्थित अशोक स्तंभ। यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है। माना जाता है कि यह सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और वैशाली में एक अशोक स्तंभ बनवाया। चूँकि भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसी की याद में यह स्तंभ बनवाया गया था। वैशाली स्थित
स्थित अशोक स्तंभ अन्य स्तंभों से काफी अलग है। स्तंभ के शीर्ष पर त्रुटिपूर्ण तरीके से एक सिंह की आकृति बनी है जिसका मुंह उत्तर दिशा में है। इसे भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक स्तूप और एक तालाब है जिसे रामकुंड के नाम से जाना जाता है। यह बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है। अब बिहार के किसान सीखेंगे आधुनिक खेती के गुर। बिहार के किसान अब आधुनिक खेती का गुर सीख पाएंगे और विशेष प्रशिक्षण के साथ किसान अब बेहतर खेती कर पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार और बिहार कृषि विभाग के सहयोग से सब्जी की खेती के लिए नालंदा के चंडी और फलों की बागवानी के लिए वैशाली के देसरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर पर किसान नर्सरी लगाना, बीजों की बुआई और अंकुरण से लेकर पौधा तैयार करने तक नर्सरी प्रबंधन के आधुनिक विधियां और तकनीकें सीख पाएंगे। बता दें कि बिहार के नालंदा और वैशाली में स्थित दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक खेती की सभी संरचनाएं और ढांचे बनाए गए हैं। स्नातक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप होगा अनिवार्य। बिहार के स्नातक के छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ काम के गुर भी सीखेंगे। UGC ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए विषय व पाठ्यक्रम से लेकर क्रेडिट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें स्नातक के विद्यार्थियों को 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया जाएगा। इससे करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नाम दिया गया है। यह 21वीं सदी की जरूरतों के आधार पर बनाया गया है। बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें छात्रों को भारत की समृद्ध विरासत, पर्यावरण, भाषा, पड़ोसी समेत दुनिया के देशों के हालात व मुद्दों से लेकर साइबर सिक्योरिटी आदि की पढ़ाई अनिवार्य रूप से करनी होगी। अगले 5 दिन बारिश के आसार कम। बिहार में बारिश की गतिविधियां अचानक से रुक गई हैं। बिहार के कुछ अन्य स्थानों पर मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं मौसम विज्ञानियों ने दावा किया है कि अगले 5 दिनों में कम बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को बताया कि बुधवार और गुरुवार को छिटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना है। बारिश की तीव्रता गुरुवार से और कम होने की संभावना है क्योंकि मौसम कार्यालय ने शुक्रवार और शनिवार को पूरे उत्तर और दक्षिण पश्चिम बिहार में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान जताया है। लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटाएं अपना काम। अगर बैंक से संबंधित आपके कोई काम है जो आपको इन दिनों निपटाने हैं तो जल्दी करें क्योंकि बैंकों में छुट्टियां शुरू होने वाली हैं जो कि 2 से सीधे 5 तक चलेंगी, यानी कि 4 दिनों तक बैंक बंद होंगे और अक्टूबर महीने में तो बैंक कुल 12 दिन बंद होंगे, यानी कि आधा महीना लगभग बैंकों में छुट्टी होगी। बता दें कि 2 अक्टूबर को रविवार है, इस दिन गांधी जयंती भी है, लिहाजा बैंक बंद रहेंगे। 3 से 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की छुट्टी है। इस तरह से पहले सप्ताह में लगातार 4 दिन बैंक बंद होंगे। 62 शहरों में शुरू हो रहा जमीन का सर्वे। बिहार में प्रॉपर्टी सर्वे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हाल ही में राजस्व विभाग में 4000 से अधिक पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की बहाली की गई है ताकि जमीन से जुड़े मामलों में काम में तेजी आए। इसके बाद अब प्रॉपर्टी का सर्वे का काम GIS मैपिंग के सहयोग से 62 शहरों में शुरू हो रहा है। इसके लिए भूमि एवं राजस्व विभाग में कर्मचारियों को 11 समूहों में बांट दिया गया है और हर समूह में 4 से 7 शहरों की जिम्मेवारी दी गई है। इस सर्वे के बाद आपकी हर प्रॉपर्टी पर सरकार की नज़र होगी। इसमें आपकी सभी प्रॉपर्टी का ब्यौरा लिया जाएगा। काम पूरा होने के बाद आपके प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन एक क्लिक में दिख जाएगा। सरकार ने इच्छुक एजेंसियों को सभी ग्रुप के लिए आवेदन करने को कहा है, लेकिन एक एजेंसी को अधिकतम सिर्फ 1-3 ग्रुप ही सौंपा जाएगा। बिहार के इन इलाकों पर पुलिस प्रशासन की रहेगी विशेष निगरानी। नवरात्रि शुरू है, गांव से लेकर शहर के गली गली में चहल पहल बढ़ गई है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। दुर्गा पूजा के दौरान संभावित अप्रिय घटनाओं को घटने से रोकने के लिए वरीय अधिकारियों को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। इस बीच राज्य भर में 222 जगहों को संवेदनशील घोषित किया गया है जहाँ विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। इसमें राजधानी पटना के 18 स्थल शामिल है। पटना के बाद खगड़िया ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक 11 जगहों को अति संवेदनशील बताया गया है। इन इलाकों में नियमित शांति समिति की बैठक करनी होगी। सभी पूजा पंडालों में 30 सितंबर तक CCTV कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अब दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने देश के तमाम राज्यों के साथ साथ बिहार वासियों के लिए भी त्योहारों से पहले खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि यह योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे 3 महीने और यानी कि दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला बीते दिन केंद्र की कैबिनेट की बैठक में ली गई। बैठक के बाद केंद्र के फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को यह जानकारी दी है। बता दें कि इस स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ जनता लाभान्वित हो रहे हैं। जिला अस्पतालों की स्थिति होगी दुरुस्त। जिला अस्पतालों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अहम और ठोस कदम उठाने जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिला अस्पतालों में मरम्मत, निर्माण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 5-5 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है, जिससे अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की खरीद पर 2-2 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में डिजिटल डैशबोर्ड लगाने के लिए 2-2 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। मालूम है कि हाल ही में कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने 60 दिनों के अंदर जिला अस्पतालों में बेहतर जांच एवं इलाज की सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जाएगी गणना। बिहार में जातीय जनगणना की तैयारियां चल रही है, जिसे 23 फरवरी 2023 की समय सीमा पर संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर फिलहाल जो खबर सामने आई है वो ये है कि अब ऐसे लोगों की भी गणना की जाएगी जो पुल पुलिया और सड़क किनारे त्रिपाल या प्लास्टिक लगाकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि गणना करने के लिए 8 स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काम करेगी। बताते चले कि जातिगत जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में पक्के, कच्चे और अस्थायी आवासों की सूची बनाकर मकान मालिकों को एक यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में वास्तविक गणना की जाएगी। बिहार के लाखों प्लॉट का नाम रजिस्ट्री की रोक सूची से हटे। बिहार के ऐसे 1,43,000 प्लॉट जिसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, उस प्लॉट को रोक सूची से मुक्त करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय बिहार के जिलों में गठित फील्ड कमेटी की अनुशंसा पर लिया गया है। अब इन 1,43,000 प्लॉट की रजिस्ट्री संभव हो पाएगी। साथ ही इससे मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का राजस्व भी बढ़ेगा। आपको बताते चले कि फिलहाल अभी बिहार में 29 लाख प्लॉट की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है, जिसमें 1,43,000 प्लॉट का मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पहल और संबंधित जिला प्रशासन की अनुशंसा पर लगी रोक को हटा ली गई है। इंटर में 30 सितंबर से होगा स्पॉट नामांकन। इंटर सत्र 2022-24 में स्पॉट राउंड के तहत नामांकन का इंतजार कर रहे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बोर्ड द्वारा कॉलेज और स्कूलों के संख्यावार रिक्त सीटों की संख्या OFSS पर जारी कर दी गई है। बता दें कि इंटर में नामांकन के लिए अभी भी कॉलेजों और 10+2 विद्यालय में 10,27,010 सीटें खाली रह गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीटें पटना जिले में 83,000 से अधिक सीटें खाली हैं। अब स्पॉट नामांकन लेने वाले छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या स्कूल में नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए आवेदन का आज अंतिम तारीख है। इसके बाद 30 सितंबर को स्कूल या कॉलेज द्वारा स्पॉट नामांकन की चयन सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नामांकन लिया जा सकेगा। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में तैनात होंगे 19,000 जवान। दुर्गा पूजा को लेकर संभावित अप्रिय घटनाओं को देखते हुए राज्य की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। त्योहारों के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 19,000 बलों की तैनाती की जाएगी। यही नहीं, बुनियादी प्रशिक्षण हाल में पूरा करने वाले जिला पुलिस के करीब 9,000 जवान को ड्यूटी पर भी लगा दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला बल के 8,996 सिपाही भी विधि व्यवस्था की ड्यूटी में लगाए जाएंगे, जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पैतृक जिलों में योगदान दिया है। राज्य के लगभग जिलों में अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की 4-5 कंपनियां आने वाली हैं। इस दिन होगी लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बीते दिन दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित नवगठित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की जाएगी। इसकी जानकारी पार्टी के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्रंजन गगन ने दी है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के एकमात्र उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
2300 साल पुराने सम्राट अशोक के शिलालेख को मुक्त कराने के लिए प्रदर्शन करेगी भाजपा। सासाराम के चंदन पहाड़ी पर स्थित 2300 साल पुराने सम्राट अशोक के शिलालेख पर कब्जा कर मजार बना लिया गया है, जिसे मुक्त कराने का ऐलान भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द शिलालेखों को मुक्त करवाया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2300 साल से शिलालेख थे, लेकिन जब से लालू नीतीश की सरकार बनी है तब से शिलालेखों पर तालाबंदी हो रही है। इन्हीं के सह पर आज दूसरे समुदाय के लोगों ने शिलालेखों पर कब्जा कर तालाबंदी करने का काम किया है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे मुक्त कराने के लिए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी मजार बनाने के खिलाफ 1 अक्टूबर को जिले में महाधरना देने का ऐलान किया है। IRCTC घोटाला मामले में 18 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की कोर्ट में होगी पेशी। IRCTC घोटाला मामले में डिप्टी CM तेजस्वी यादव की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तेजस्वी के IRCTC घोटाले में जमानत की सुनवाई को अब टाल दिया गया है। सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 अक्टूबर को तय की गई है। दरअसल बीते दिन 28 सितंबर को इस मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई थी। सबकी निगाहें भी दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को तलब किया है। दरअसल तेजस्वी यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CBI अधिकारियों को धमकी दी गई थी। इसके बाद CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। सुशील मोदी ने लालू नीतीश को दी खुली चुनौती। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में महागठबंधन सरकार और एकमात्र विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच बयानबाजियां शुरू हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं। बीते दिन लालू यादव द्वारा PFI की तुलना RSS से करने के बाद सुशील मोदी ने लालू नीतीश को खुली चुनौती दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो वे बिहार में RSS पर बैन लगाकर दिखाएं। मोदी ने कहा कि राजद और जदयू भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग करने वाले PFI के कारनामों को छिपाना चाहते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की उनकी राजनीति ने बिहार को आतंकियों का अड्डा बना दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्थापना 1836 में हुई। टेलीफोन से पहला अंतर महाद्वीपीय संदेश 1915 में भेजा गया। कोलकाता में बिड़ला तारामंडल 1962 को खुला। बंगाल की खाड़ी में 1971 को चक्रवातीय तूफान से करीब 10,000 लोगों की जान चली गई। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा का जन्म 1928 में हुआ। भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश SHA कपाड़िया का जन्म 1947 में हुआ। अभिनेता निर्माण निर्देशक महमूद अली का जन्म 1932 में हुआ था। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी मातंगिनी हजारा का निधन 1942 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गोपाल सेन का निधन 1944 में हुआ। मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री बालमनी अम्मा का निधन 2004 में हुआ। भारतीय सिनेमा के अभिनेता टॉम ऑल्चर का निधन 2017 में हुआ। और आज ही के दिन विश्व हृदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे डिजी लॉकर सेवा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी डिजी लॉकर सेवाओं के लाभ के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट में लिखा है कि एक अखबार की खबर में यह दावा किया जा रहा है कि अब व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी डिजी लॉकर सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। PIB ने लिखा है कि यह खबर सही नहीं है। साथ ही PIB ने लिखा कि व्हाट्सएप नंबर 9013151515 के जरिए डिजी लॉकर चैटबॉट का आप उपयोग कर सकते हैं। राहुल सूर्या की धमाकेदार पारी, भारत ने 8 विकेट से जीता मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की घरेलू T20I सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली है। मुश्किल पिच पर मेहमान टीम द्वारा दिए गए 107 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने KL राहुल और सूर्य कुमार यादव के अर्धशतकों के दम पर 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। दिग्गज तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को 0 पर चलता कर दिया। नंबर 3 पर उतरे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी कमाल नहीं कर पाए और मात्र 3 रन बनाकर घातक तेज गेंदबाज नौरखिया का शिकार बन गए। लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने KL राहुल के साथ भारतीय पारी को संभाला। सूर्या ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि राहुल ने 56 गेंदों में 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के आए। सूर्या ने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के जड़े। भारत ने 107 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर 4 गेंद में हासिल कर लिया।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुश कुमार यादव, पवन सिंह, रुपेश कुमार, अनवर करीम खान, अतीक खान, विद्या सागर, मनोज राम, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार, राम उद्गार यादव, अकदर अली, आलोक सिंह, पवन कुमार और मोहम्मद तौकीर अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्नातक के कोर्स के साथ ही इंटर्नशिप अनिवार्य करने की नई शिक्षा नीति आने वाली युवा पीढ़ियों को रोजगार दिलाने में कितना मददगार साबित होगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।